चैप्टर 9 स्टार्ट करते हैं। टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर 9, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ अ ट्रायंगल एंड इनक्वालिटी। इनक्वालिटी आपके सिलेबस में से कट हो गया है, सिर्फ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। फॉर क्लास 9th फॉर सीबीएसई फ्रॉम आर एस अग्रवाल। हियर कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग अन्वेषा। वट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ग्रुएंट? आपसे कोई पूछे डिफाइन कॉन्ग्रुएंट तो आप क्या बताओगे? अवनी सर, विच सेम, अरे सेम शेप एंड सेम साइज। शेप का जो सिंबल होता है वो ये वाला होता है और साइज का जो साइन होता है इक्वल होता है। दोनों को कंबाइन करके हमारे पास जो सिंबल बन गया दैट इज दिस वन। दिस इज द सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंसी। अब ट्रायंगल के अंदर चिप्पी हमारे पास कितने रूल्स हैं कॉन्ग्रुएंसी के? रूल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी इन ट्रायंगल बताइए बच्चे हमें, हमारे पास कितने रूल्स हैं? फास्टली फोर रूल्स, एक्चुअल में फोर ही हैं बट फाइव बन जाते हैं, एक उसकी क्रॉलरी है। पहला रूल SSS, सेकंड रूल SAS, थर्ड रूल ASA, इसकी क्रॉलरी AAS, मतलब ये फोर्थ रूल हो गया एक टाइप से, एंड द लास्ट रूल इज RHS। ये फाइव रूल्स, एक दो तीन चार, पांचवा ये है। पांचवा ये कैसे है? इसका ही एक पार्ट है ये, इसकी क्रोलरी बोल देते हैं उसको। क्रोलरी मतलब इसकी एप्लीकेशन, ठीक है। और एक कॉन्ग्रे रूल में इनको एक ऑर्डर में लिखना जरूरी होता है। अगर हम ऑर्डर में नहीं लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा सम रॉन्ग हो जाएगा सारा का सारा, चाहे सारा सही है। रूल्स डिस्कस करूं कि बताएं ऑर्डर, ऑल ऑफ यू, तन्वी, निशान, अन्वेषा, चिप्पी, बाकियों का बोलने का मूड नहीं है आज। यस सर। रूल्स उसको ऑर्डर में लिखना पता है ना कैसे लिखते हैं? यस सर। तो सीधा मैं एक्सरसाइज पे आ जाऊं? यस सर। चलो फर्स्ट सम, इन द गिवन फिगर, फिगर हमें गिवन है, ए बी सी डी, यहां पे ओ, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। ओ ए डी का मिड पॉइंट है, ये इसके इक्वल है। टू प्रूफ क्या करना है? पहला पार्ट, ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट करनी है ट्रायंगल डी ओ सी के,
सेकंड पार्ट, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, मतलब ओ को बी सी का मिड पॉइंट प्रूव करना है, बी ओ को सी ओ के इक्वल प्रूव करना है। गिवन लिख लोगे ना कि लिखूं बच्चे मैं? प्रूफ, सर लिख लेंगे। हाँ जी, जब उन्होंने टू प्रूव में बोल दिया ना कि ये कॉन्ग्रुएंट टू ये, तो ये ऑलरेडी ऑर्डर में है। क्या है वो? ऑलरेडी ऑर्डर में है। इन ट्रायंगल्स एओबी एंड डीओसी, एओबी एंड डीओसी, ये साइड इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है। अवनी, ये दोनों एंगल इक्वल हैं बेटा, यस रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। यस सर, वर्टी के लिए अपोजिट एंगल केटी। एओ, चलो अब एक ट्रायंगल बच्चे छुपा लो। इस ट्रायंगल में क्या कुछ यूज यस हुआ? दो एंगल इंक्लूडिंग साइड ना, तो ए एस ए रूल लगा, सर, तो इसका एंगल टू इसके एंगल वन के इक्वल। डी ओ सॉरी ए ओ बी है ना इस साइड, तो ए ओ बी के पार्ट लेफ्ट साइड में लिखने हैं, डी ओ सी के पार्ट राइट साइड में लिखने हैं। इसका एंगल वन इसके एंगल टू के इक्वल, साथ ही साथ रीजन ऑल्टरनेट। इंटीरियर हाँ जी, कई बच्चे ना इसको अल्टरनेटिव बोलते हैं, अल्टरनेटिव नहीं होता, ऑल्टरनेट ही होता है। फिर ए ओ डी ओ के इक्वल, दिस एंगल। इज गिवन, और इसका एंगल फोर इसके एंगल थ्री के इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो ट्रायंगल्स क्या हो गई? ट्रायंगल ए ओ कॉन्ग्रुएंट बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ओ सी बाय ए एस ए रूल। डीओसी। पहला पार्ट हो गया, दूसरा बी ओ इज इक्वल टू सी ओ हो गया, रीजन सी पी सीपीसीटी सी पी सी टी की फुल फॉर्म क्या होती है? सर अवनी, कॉरेस्पॉन्डिंग यस वेरी गुड। सेकेंड सम अन्वेषा, कॉम्ब्रेंड। क्वेश्चन नंबर टू। इन द गिवन फिगर यहां डी है, यहां ई है, यहां ओ है, यहां बी है, यहां सी है। एडी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर भी हैं और दोनों की लेंथ भी इक्वल है। शो दैट, मतलब गिवन मी एडी इज इक्वल टू बी सी, डी ए परपेंडिकुलर टू ए बी, सी बी परपेंडिकुलर टू ए बी, लिख दोगे? टू प्रूव, सी डी बाइसेक्ट ए बी, तो क्या प्रूफ करना है अन्वेषा? सर ट्रायंगल नहीं बच्चे, मैं टू प्रूफ में क्या लिखूं मैं? सर टू प्रूफ ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना क्यों बच्चे, उन्होंने क्या लिखा है? क्वेश्चन बुक है तेरे पास? है। नो सर सर क्यों, कहां गई तेरी आर एस अग्रवाल? बैक चल तू यहां देख ले, छोड़ दे, बुक तो रखा करो। अगर फौजी साथ में हथियार ही नहीं लेके जाएगा जंग में, तो जीतेगा कैसे? है अन्वेषा, यस सर। एक फौजी अगर बंदूक नहीं लेके जाएगा अपनी, तो लड़ेगा कैसे?
टू टू को लिखेंगे सी डी बाइसेक्स एक्स ए बी। ना, ये तो स्टेटमेंट है अलजेब्रिकली। अलजेब्रिकली अलजेब्रिकली का मतलब किसको किसके इक्वल करना है, ये बताओ मुझे। हाँ डी ओ इज इक्वल्स टू ओ ए। मैं ये पूछ रहा हूँ, अलजेब्रिकली बोलते हैं इसको, वो स्टेटमेंट थी जो आपने पहले बोली थी, समझ गए। यस वी हैव टू प्रूव ए ओ इज इक्वल टू बी ओ, मतलब इसको इसके इक्वल करना है जहां डॉट लगा दिया मैंने। ये दोनों ट्रायंगल्स क्या कर दो, कॉन्ग्रुएंट। ये एंगल वन एंगल टू के इक्वल होगा, यस ए डी बी सी के इक्वल होगा। तीसरी चीज क्या यूज करें अन्वेषा, थर्ड थिंग सी ओ ओ डी सी ओ बी इज इक्वल टू ए ओ डी, हाँ मतलब एंगल थ्री एंगल फोर के इक्वल। अब मैं ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं कर रहा, आप अपने आप कर लोगे ना। सर हाँ जी तन्वी हो जाएगा। ट्रायंगल यस सर एओडी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बीओसी, मतलब ये तीनों लाइंस अपने आप लिखोगे कौन से रूल से, सर मम्मी पास में बैठी है, आ जाओ मम्मी को बुला के एक चांटा मारो खींच के मेरे। आरएचएस रूल कैसे हो गया अन्वेषा, आरएचएस रूल का मीनिंग क्या है। राइट एंगल है, हाइपोटन्यूज कौन सा है, इस ट्रायंगल में हाइपोटन्यूज कौन सा है, बीओसी में नहीं है सर ओसी है ना, ओसी यूज किया हमने एस ए एस ए। अब तो डबल पढ़ने चाहिए तेरे दोनों गालों पे, ऐसे वैसे सारे बोल दे पांचों के पांचों रूल। अन्वेषा बच्चे मैंने कितनी बार बोला है, एक ट्रायंगल को छुपा लो, दूसरे ट्रायंगल में देखो कौन सा रूल लग रहा है। अब देख के मैं तो पता चल जाता है, ए एस रूल से ट्रायंगल्स क्या हो गई, दोनों कॉन्ग्रुएंट सर हो गई। कॉन्ग्रुएंट हो गई तो बी ओ इज इक्वल एओ टू ओ ए। एओ इज इक्वल टू बी ओ। रीजन सर सी पी सी टी थर्ड सम हो जाएंगे ना बेटा, ये अपने आप कर लोगे ना, यस सर बोल दिया करो, अगर नहीं हो पाएगा तो मैं करवा दूंगा। ये लाइन पी है, ये लाइन क्यू है, दिस लाइन इज एल एंड दिस लाइन इज एम। इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर टू पैरेलल लाइन एल एंड एम, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, मतलब ये इसके पैरेलल। आर इंटरसेक्टेड बाय टू अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइन पी एंड क्यू, ये इसके पैरेलल है, ठीक है। शो करना है ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू सीडीए, गिवन लिख लो कि दिस पैरेलल टू दिस, एल पैरेलल टू एम, पी पैरेलल टू क्यू, गिवन में सिर्फ ये आएगा। टू प्रूव ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी ए,
हाँ जी, चिप्पी। यस जिंदा है? फिर यस मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही? जिंदा है तो बोलो। चलो बताओ मुझे, कैसे करेंगे इनको कॉन्ग्रुएंट? बोलो। एंगल ए सी बी इक्वल्स एंगल सी ए डी ऑल्टरनेट इंटीरियर। ये वेरी गुड। एंगल वन, एंगल टू, मैंने मार्क कर दिया, ये दोनों आपस में इक्वल। इसके बाद हाँ जी चिप्पी, सेकंड। सो एंगल बी ए सी और एंगल डी सी ए। थ्री इज इक्वल टू फोर, ये ऑल्टरनेट भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसके बाद तीसरी थिंग, थर्ड ए थिंग, सी इक्वल्स ए सी। कॉमन। तो वाई विच रूल दैट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट? एस ए यस, ए ऐसे रूल से अपने आप करोगे। ऑर्डर यही रहेगा, क्योंकि जब उन्होंने बोल दिया ना कि प्रूव दैट दिस कॉन्ग्रुएंट टू दिस, तो इसी ऑर्डर को इन ट्रायंगल एबीसी एंड सीडीए लिखेंगे। ठीक है, समझ आ लेकिन गया? पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम दिया है तो इसके पोजिट साइड्स इक्वल इक्वल। बच्चे नहीं दिया हुआ, हमें पैरेलल दी हुई है साइड्स, या तो पैरेललोग्राम प्रूव करना पड़ेगा। अन्वेषा, चार ओके लाइनें लिखनी पड़ेंगी बीच में कि दिस पैरेलल टू दिस गिवन, दिस पैरेलल टू दिस गिवन। उसके बाद एक लाइन पूरी मेंशन करनी पड़ेगी, वी नो दैट इफ बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर पैरेलल, देन इट इज आल्सो कॉल्ड पैरेललोग्राम। इतना बड़ा करने की क्या जरूरत है? फिर उसके बाद कॉन्ग्रुएंट ओके करें हम, है ना? तो यस सर। ज्यादा बेटर ये नहीं है कि तीन लाइनों लिखो और होगी कॉन्ग्रुएंट? ने ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ही लिखना है कि नहीं? बस ऐसे करना है। इसके बाद आ जाओ बच्चे फोर्थ सम पे, और फोर्थ सम मुझे ना कर्नल साहब को फोन करना पड़ेगा, मेजर साहब को। हाँ ना तन्वी, कि नमस्कार। ये सोती रहती है, वीडियो ऑन नहीं करती। बोलना पड़ेगा ना? ए बी सी निकम्मी हो गए सारे के सारे, किसी को कुछ कहने का फायदा नहीं है ना। चिप्पी, निशान, अन्वेषा 2 मिनट करती है, उसके बाद सो जाती है बहुत ना? सही फिर बहुत सही। बंद क्यों कर देते हो वीडियो? चिप्पी और निशान तो बस साइलेंट मेंबर है ना क्लास के, है ना निशान? एडी इज एल्टीट्यूड, एडी परपेंडिकुलर गिवन है। एल्टीट्यूड का मतलब होता है परपेंडिकुलर, किस पे? बीसी पे। ए बी ए सी की इक्वल दी हुई है। शो दैट टू प्रूव ए डी बाइसेक्स बी सी। ए डी बाइसेक्ट बी सी, तो इसका मीनिंग किसको किसके इक्वल करना है? हाँ जी तन्वी, ए डी बाइसेक्ट बी सी तो किसको किसके इक्वल करना है ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। बच्चे? फिर वही बात अन्वेषा वाली तेरी भी। मैं क्या ये नहीं पूछ रहा प्रूफ बताओ तुम, मैं ये पूछ रहा हूं
कि हमने AD बाइसेक्ट BC लिखा है, इसका मीनिंग क्या हुआ, किसको किसके इक्वल करना है। हाँ, सर BD इज इक्वल्स टू DC। जो चीज पूछ रहा हूँ वो तो बताती नहीं है, आगे हो जाता है कि आगे बता दें हम। जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि हमने प्रूफ क्या करना है, हम कैसे कर लेंगे। दूसरा पार्ट, AD बाइसेक्ट एंगल A, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल करना है, ये साइड इसके इक्वल करनी है और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल। मैं 1 एंड 2 मार्क कर दूं, एंगल 1 को एंगल 2 के इक्वल करना है। तो प्रूफ अजनबी बताइए कैसे करें। सर पहले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे फिर होगा। हाँ, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करेंगे। पहले यस फिगर में सॉल्व करो, ये साइड इसके इक्वल है, थ्री यस सर एंगल 4 के इक्वल है। तीसरी चीज कौन सी यूज करेंगे, AD इज इक्वल्स टू AD। AD इज इक्वल टू AD। इन ट्रायंगल्स मैंने एक ट्रायंगल BDA लिख दी, दूसरी कौन क्या लिखूंगा, सर CD है। वेरी गुड। ऑर्डर में लिखना जरूरी होता है और वो हमने लिख दिया, BDA CDA। तो इसका एंगल 3 इसके एंगल 4 के इक्वल, h 90, AB इज इक्वल टू AC, ये हमें गिवन है। तीसरा, AD इज इक्वल टू AD, ये साइड कॉमन हो गई। तो कौन से रूल से ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुई, सर RHS वेरी गुड। आज कौन से बादाम खाए थे, सही बता रही है। हैं, सर सही बादाम नहीं खाए, यस कभी कभी बताती है तू, बिल्कुल सही एग्जैक्ट, नहीं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ करती रहती है। हाँ बिल्कुल सही है बेटा, और ज्योमेट्री पार्ट में तो ज्यादा ही करती होती है। नाउ द फिफ्थ सम, निशान। सर इतना स्लो भी क्या बोलना, अगर बोलना है तो ढंग से बोलो। ABC, यहां E पॉइंट, यहां F पॉइंट, BE एंड CF आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स। गिवन में क्या है, BE एंड CF, BE परपेंडिकुलर टू इस एल्टीट्यूड का मतलब परपेंडिकुलर, CF परपेंडिकुलर टू AB, आर इक्वल और BE एंड CE इक्वल भी दिए हैं। क्या लिखा है, BE एंड CF आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल ABC, शो दैट ABE कॉन्ग्रुएंट टू ACF। AB देखो पहला पार्ट हो गया, दूसरा तो CPCT से हो जाएगा, हो जाएगा ना। यस यहाँ टू प्रूफ, पहला पार्ट ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACF, दूसरा AB इज इक्वल टू AC, प्रूफ। प्रूफ में बच्चे ABE ये रही, जो ट्रायंगल मैंने डबल कर दी ये ट्रायंगल, और दूसरी ACF ये वाली ट्रायंगल। इन ट्रायंगल्स ABE एंड ACF, ये दोनों ट्रायंगल्स। हाँ जी निशान, बताइए बेटा क्या चीज किसके इक्वल है।
बोलो। एंगल FBE एंगल ए, एंगल ए क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। इस ट्रायंगल का एंगल वन इस ट्रायंगल के एंगल टू के इक्वल, मतलब यहां फिगर में अगर नहीं समझ आता ना तो एक काम करो, फिगर को ऐसे बना अलग अलग, ठीक है? रफ में, फेयर में नहीं, रफ में। ए बी ई एनसीईआरटी का समी है ये भी, यस एंगल ए, एंगल ए की इक्वल हो जाएगा कॉमन। ये वाला एंगल वन मार्क किया मैंने, ए एफ सी इसको एंगल टू मार्क किया है, एंगल वन एंगल टू की इक्वल, बीई साइड सी एफ की इक्वल की बने। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन। उसके बाद एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू ईच 90, और तीसरा बीई इज इक्वल टू सी एफ गिवन। तो ट्रायंगल्स क्या हो गई? कॉन्ग्रुएंट हो गई। बाय विच रूल? ए ए ए एस रूल। ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट तो ए बी किसके इक्वल आ जाएगी? ए सी के इक्वल आ जाएगी। रीजन इज सी पी सी टी, दोनों पार्ट्स हो गए। समझ गए बच्चे? अन्वेष यस सर क्वेश्चन नंबर 6, ये भी एनसीईआरटी वाला ही है जो बड़ा वाला सम था। ए बी सी एंड डी बी सी आर टू आइसोसेलस ट्रायंगल, ए बी ए सी की इक्वल, बी डी सी डी की इक्वल, ए डी इंटरसेक्ट ट्रायंगल एडी डी ए बी डी। सबसे पहला पार्ट ए बी डी ए सी डी के कॉन्ग्रुएंट करना है। चलो एडी अच्छा पता है तेरे को? ओहो ए बी सी एंड डी बी सी आर टू आइसोसेलस ट्रायंगल, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये क्या हो जाएगा? कॉमन। ए डी इज इक्वल टू ए डी कॉमन हो जाएगा, पहला पार्ट हो जाएगा। यस सर SSS नींद खुल गई अन्वेषा की, है ना अन्वेषा? अब दूसरा पार्ट करना है ए बी ई, ये वाली ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट कैसे करेंगे? ए बी ई ए सी ई के, देखो जब ये हमने ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कर ली ना तो यहाँ पे एंगल वन एंगल टू के इक्वल यस लिख लो, सी पी सी टी। उसके बाद ये इसके इक्वल, एंगल वन एंगल टू के इक्वल प्रूव्ड अबव, ए कॉमन, ठीक है अन्वेषा? सर बाय एस ए एस साइड रूल, एंगल साइड 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 एंगल साइड, साइड हाँ तो बी ई किसकी इक्वल आ जाएगा? सी, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट प्रूव करने के लिए ये चीजें हमें लिखनी पड़ेंगी। तीसरे पार्ट में उन्होंने बोला है ए ई बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल डी, ए का बाइसेक्टर तो हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं ये रहा, अब आल्सो बाइसेक्ट एंगल डी, इस एंगल को इसके इक्वल करना है, सी को फोर के इक्वल करना है, कैसे करेंगे? उसके लिए हमें ये दोनों नीचे वाली ट्रायंगल्स याद आ गया होगा एनसीईआरटी वाला सम, यस सर
बी डी ई सी डी ई के, ये साइड इसके इक्वल, थ्री सॉरी थ्री नहीं, बी ई इज इक्वल टू सी ई प्रूव्ड अबव एंड डी इज इक्वल टू डी कॉमन, एस 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 से ट्रायंगल्स कॉन्गुनेंट हो जाएंगी तो 3 4 की इक्वल आ जाएगा सीपीसीटी। देयरफॉर ये दोनों इक्वल आ गए, ए यस बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। उस और उसके बाद ये भी इसके इक्वल आ जाएगा बेटा, क्योंकि हमने लास्ट पार्ट में प्रूव करना है ए इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, हम परपेंडिकुलर प्रूव करना है। तो 5 इज इक्वल टू 6, ये भी सीपीसीटी से, बट 5 एंड 6 का रिलेशन क्या है अन्वेषा? सर, 5 और 6 का हाँ, 5 के बाद 6 आते हैं ना, 5 में +1 करके 6 आ जाता है, ये रिलेशन है। सर सर फिगर नहीं दिख रही तेरे को? तो रही है 5 एंड 6 की कौन से एंगल हैं? सर, सप्लीमेंट एंगल बोलो। ये कौन से एंगल है? हाँ, लीनियर सप्लीमेंट लीनियर पेयर्स। बट 5 और 6 इक्वल प्रूफ किए हैं बेटा, तो 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 180, 2 एंगल 5 इज इक्वल टू 180 एंड एंगल 5 इज इक्वल टू 90। देयर फोर ए इज परपेंडिकुलर टू, मतलब बाइसेक्टर हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं, वो पूरी लाइन लिख देंगे। देयर फोर ए इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। सेवन सम, अवनी अवनी यस सर, डी डी ए ई सी, ये एक्स है ये वो वाई है, यहाँ पे एफ है। इन द गिवन फिगर एक्स इज इक्वल टू वाई, एक्स वाई के इक्वल दिया हुआ है। ए बी इज इक्वल टू, ये ए बी साइड बी सी साइड की इक्वल दी हुई है। देन प्रूव दैट, टू प्रूव करना है हमने ए को सी डी के इक्वल। कैसे करें? एक सबसे पहले ये देखो ए कौन सी सी ट्रायंगल में आ रहा है। सर, ट्राइंगल बी ई ए इस ट्रायंगल में मैं क्या करता हूँ, रफ में ना दोनों फिगर्स में अलग अलग बना लेता हूँ कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है? सर। बी ई ए एंड सी डी कौन सी बी ट्रायंगल में आ रहा है? सी डी मोटी बोल रही है ये, भाई कौन हाँ जी, ए को सी डी के इक्वल करना है। We have to prove A is equal to CD. हाँ जी बेटा, हम कैसे करेंगे बताइए। सर, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करके कॉन्ग्रुएंट में ए बी इज इक्वल टू बी सी आ गया, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी आ गया, तीसरा चीज क्या यूज करें हम? बोलो। सर दो मेथड्स हैं हमारे पास,
एक तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगा के हम कर सकते हैं, और सर। दूसरा लीनियर पेयर करके कर सकते हैं। चलो मैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाता हूँ। एक्स इज इक्वल टू वाई गिवन है ना, एक्स एक्स एंगल किसके इक्वल होगा? एक्स एंगल एंगल गड़बड़। बी एंड एंगल ए। एक्स एंगल, ये एक्स, ये 1 2 की जरूरत ही नहीं है, छोड़ दो, नो नीड। एंगल बी प्लस एंगल सी नहीं होगा बेटा? यस सर, मैंने सोचा इस इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है ना, ये साइड प्रोड्यूस हो रही है, देखो इस ट्रायंगल का एक्स, तो किसके इक्वल एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल याद है ना, सम सर। ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, इंटीरियर ये है उसके अपोजिट ये दोनों है, दिस एंड दिस। वाई एंगल किसके इक्वल है? वाई एंगल ये रहा वाई, एंगल ए एंड बी। वेरी गुड। एंगल सी किसके इक्वल आ गया? वही एंगल ये रहा भाई। विच रूल दैट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट? सर सर ए एस ए। हाँ, इसके बाद इन ट्रायंगल यहाँ पे ना लिख देना एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। इन ट्रायंगल बी बी एंड ए डी बी ए ई एंड बी सी डी पहले कुछ क्या आ रहा था? बी डी नहीं आ रहा था? हैं? बी इज इक्वल टू बी, दिस इज कॉमन एंगल। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, दिस इज प्रूव्ड प्रूफ अबव। एंड थर्ड वन, ए बी सी बी इज इज इक्वल इक्वल टू ए बी। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या हो गई? बी ए ई कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी सी डी बाय विच रूल? ए सर। एस ए ओए, ए ए कैसे हो गया बता मोटी? दो एंगल्स की इंक्लूडिंग साइड है तो ए एस ए होगा कि ए एस होगा? फिर सर अब ए ई सेकंड थर्ड सी डी सी के इक्वल, रीजन सी डी पी सी टी। हो सी गया, समझ आया बच्चे? ये सर। एट सम। सर हाँ स्कूल जाना अभी तो 35 ही हुए हैं, सुना रेडी जल्दी उठाकर, 5 बजे उठाकर कल से। यस सर लेट होते।